वृंदावन में आम व्यक्ति पिंजरे में रहने के लिए मजबूर है और बंदर बाहर। वृंदावन से संवाददाता योगेश शर्मा ने जांच कमेटी के समक्ष वृंदावन में बंदरों की बढ़ती संख्या और आतंक से भी अवगत कराया। योगेश शर्मा ने कहा कि बिहारी जी मंदिर में दो श्रद्धालुओं की मौत पर प्रशासन ने संज्ञान लिया, जबकि वृंदावन में बंदरों के आतंक के चलते साल में 10 से 5 मौतें होती हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में टीके लगाने के लिए 20 से 25 लोग रोज पहुंचते हैं। वृंदावन में आम व्यक्ति पिंजरे में रहने के लिए मजबूर है और बंदर बाहर। मंदिरों के आसपास बंदरों का आतंक इस हद तक है कि वह डीएम साहब का चश्मा ले गए, एक सब इंस्पेक्टर की टोपी ले उड़े। वहीं राष्ट्रपति के आने पर भी मंदिरों के आसपास बंदरों का आतंक देखने को मिला। शासन को इस दिशा में भी कोई कारगर कदम अवश्य उठाना चाहिए। इस समस्या को कमिश्नर गौरव दयाल शर्मा ने शासन के समक्ष रखकर निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बंदरों की समस्या के बारे में लोगों ने कई लोगों ने बताया कि उससे क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, तो ये एक वाकई में ये भी एक समस्या है, पर इसका समाधान भी संभव है। इसको भी अगर साइंटिफिकली समस्या से डील किया जाए तो उसको टैकल किया जा सकता है। तो अब इन सब समस्याओं पर हम लोग विचार करेंगे और इन सब पर कैसे अमल, जितने सुझाव आए उनमें कैसे अमल किया जाना है और जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण कैसे हो, इन सब के बारे में जिला प्रशासन के साथ बैठ के एक रणनीति बनाई जाएगी और उनका